अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुबारक। आज का मेरा ये व्लॉग है शिमला का और गबाला के हवाले से। अभी मैं जा रहा हूँ अपने टूर गाइड की तरफ। यहाँ से कोई तकरीबन 5 मिनट की वॉक है, फिर वहाँ से उसको मीट करूँगा, वहाँ पे हम जाएंगे। तकरीबन ये कोई 5-6 लोगों का ग्रुप है जिसमें मैं भी शामिल हूँ, तो इंशाल्लाह फिर आपको गाड़ी में बैठ के अपडेट करूँगा। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये सब है निज़ामी स्ट्रीट। निज़ामी स्ट्रीट की पहचान ये है कि जब आप ऐसे टाइल्स मतलब ये मार्बल वगैरह देखें तो ये पूरी निज़ामी स्ट्रीट है। ये पूरी तकरीबन ये पूरी वहाँ से पीछे भी है, बैक में भी है काफ़ी ना, ये समझे कि ये स्टार्ट है इसका। ये जो आपको नजर आ रहा है ये फाउंटेन है। ये जो आपको आप देख रहे हैं ये ओल्ड सिटी है। मैं भी यहीं पे जा रहा हूँ, यहीं पे मेरा ड्राइवर इंतजार कर रहा है। तो फाइनली मैं बस में बैठ चुका हूँ। अभी तो हम जा रहे हैं, थोड़ा स्टार्ट हो चुका है। हम बीच में रुके थे वैसे ब्रेकफास्ट के लिए, मतलब ब्रेकफास्ट एक सुपरमार्केट में रुके थे, तो वहाँ पे हम मैंने कुछ चीज़ें वगैरह ली हैं। ये सारा व्यू है बाहर का, आप देखें। तकरीबन कोई मेरे ख्याल से 6 बंदे और हैं जो इस बस में हमारे साथ मेरे साथ हैं। टूर में छोटा ही टूर है ये, इस तरह का टूर है जैसे हम तुर्की में करते थे टूर, छोटे छोटे टूर। तो इस तरह से उधर यहाँ भी तकरीबन टूर इसी तरह से कराए जाते हैं जैसे तुर्की में कराए जाते हैं। आज की पहली डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं जो है डीडी डाबा टॉप। ये है मेरे पीछे ये सारा टॉप, ये सब है गोबिस्तान में। ये आज के टूर में तो नहीं था लेकिन फिर भी एक ये पॉइंट गाइड ने ऐड किया। ओके, हम टॉप के अंदर दाखिल हो रहे हैं। बहुत कंजेस्टेड है, दीदी बाबा टॉम। ये मेरे ख्याल से ऑटोमन एम्पायर का ही कोई सिप वह है। बाबा टॉम का टूर करके वापस जा रहे हैं। ये पीछे हम लोग देख सकते हैं, ऊपर भी गया था मैंने, अंदर की भी वीडियो दिखाई है आपको। तो अब हम दूसरी डेस्टिनेशन में जा रहे हैं। खड़े हुए ये यहाँ पर, ये जो जगह है ये इमाम साहब की है। यहाँ पर इमाम साहब अपने नमाज पढ़ाते हैं, जैसे हमारे कंट्री में उधर सेम एज एज इट इज ऐसा ही है। बाकी थोड़ा सा अगर मैं बाहर चलूँ तो और भी है, ये भी है, इधर भी है सारा। मैंने आप लोगों के लिए अंदर से थोड़े शॉर्ट्स बनाए, आप वो देखें।
स्टॉप पे रुके हैं, ये हनी की दुकान लग रही है, चल के आपको दिखाऊंगा क्या है कैसा है। ये हनी इस तरह दिखता है, ये मैंने लिया भी है हनी ना, माफ कीजिए मैंने ये लिया है। ये रेड कलर का सफरून फ्लावर्स में ये है, और एक वो है जो डाले, ये बोले हैं बकौल इनके ये वो जो हनी है ये वाला गुड फॉर बेबीज। एंड जो ये वाला है ये तो ये उनके लिए जिनके डायबिटीज है वगैरह उनके लिए बेहतरीन है। हम आ गए, ब्रेक किया हमने लंच का, लंच के लिए इधर आए हैं, इधर बैठेंगे हम लोग। अभी हम लंच करके फ्री हुए हैं, अब हम जाएंगे गबाला, गबाला से भी केबल का चेयर पे, फिर उसके बाद नहा लेके इंशाल्लाह जाएंगे। ये सारा फॉरेस्ट है, ये स्माइली फॉरेस्ट कहलाता है, क्योंकि जिसने ये फतह किया था उसका नाम था स्माइल। गबाला केबल शहर पे आ गए हम, ये ऊपर जाना है टिकट लेने। अभी हमारा गाइड टिकट ले रहा है, व्यू बड़ा बड़ा अच्छा है पीछे का। ये मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं, ये जो नजर आ रहे हैं इनके पीछे। बैठ गए, अभी हम ये टॉप पर जाएंगे। दिस मैन वी आर टोटल 5 पर्सन इन द कार। ये हम टॉप पर आ गए केबल कार से उतर के, ये यहाँ पे उतरा था मैं, ये टॉप पर हो अभी फिलहाल। अभी है मैं जो हूँ 1660 मीटर पे, ये जो आपके सामने माउंटेन नज़र आ रहे हैं ये रशियन बॉर्डर है, ये जो है सामने सारा सब रशियन बॉर्डर है। ये केबल कार से मैं नीचे आ गया हूँ, ये केबल कार बस सही है, गबाला जितना इन्होंने वो किया हुआ है, प्लेस है अच्छी सही है, प्लेस एक टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन ओवर रेटेड बहुत किया हुआ है इसको। केबल कार के ड्यूरेशन भी कोई इतनी खास नहीं थी,
और ये काफ़ी महंगी भी है एज़ कम्पेयर टू अगर हमारी केबल कार से हम देखें प्राइस को, उसकी टाइमिंग को, तो काफ़ी महंगी है इधर। फिलहाल लोग इधर आते हैं पैकेज पैकेज लेकर ही आते हैं, उसमें सब कुछ होता है, तो उससे थोड़ी रीज़नेबल हो जाती है। तो बस वन टाइम विज़िट प्लेस है ये। बाकी अभी हमारा नेक्स्ट स्टॉप इंशाल्लाह ये होगा नुहार लेक की तरफ होगा, वो दिखाएंगे आपको ज़रूर इंशाल्लाह। फाइनली हम नुहार लेक पे पहुंच गए और यहाँ पर काफ़ी रश है, काफ़ी लोग आए हुए हैं, देख सकते हैं गाड़ियाँ भी काफ़ी है। ये रश इस वजह से क्योंकि आज इनका है इंडिपेंडेंस डे, अजरबैजान में इंडिपेंडेंस डे तो छुट्टी है, तो बहुत सारे लोग ऐसे पिकनिक मनाने आए हुए हैं। आगे आएगी लेक, मैं आपको दिखाऊंगा आगे लेक है, और भी दिखाऊंगा आपको। बस दगा भी है नज़ारे देखने करके। लेक के बिल्कुल करीब आ गया, ये पीछे आप मेरे पूरे देखें, ये सब लेक है, बोट्स चल रही है इधर, वैसे काफी इधर और लोग हैं। ये एक अच्छी जगह है, अच्छी पिकनिक प्लेस है, फैमिली के लिए बहुत अच्छी जगह है। और ये काफ़ी सारे अगर बाहर आए तो आपको रिवायती जैसे रेस्टोरेंट्स होते हैं, खाने पीने की चीज़ें, आइसक्रीम वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें इजीली मिल जाएंगी। और अच्छी जगह है, बोटिंग वगैरह सब कुछ है, झूले भी हैं, अगर आप पीछे देखें झूले भी नज़र आ रहे होंगे आपको। तो गबाला है तो लाजमी इधर ज़रूर आए। ये तो हम बता।